अपनी घर गृहस्थी आटे दाल में उलझा हुआ, जो सपना दिखाया देख लिया, जो टीवी ने बोला, जो अखबार ने बोला मान लिया, लेकिन तुम मेरी दुनिया मुझसे छीनोगे, मैं तुम्हारी दुनिया में गंज जाऊंगा। इरफान उन चंद इंडियन एक्टर्स में से एक थे जिन्होंने पश्चिमी सिनेमा में अपने आप को साबित करके दिखाया था। जब भी किसी फिल्म मेकर एक्टर की मौत होती है तब सभी उस एक्टर की फिल्मों के बारे में बात करते हैं और अपनी फेवरेट एक फिल्म चुनते हैं, लेकिन इरफान की ये लेगेसी है कि उनकी हम कोई एक परफॉर्मेंस नहीं चुन पाते, क्योंकि उन्होंने एक से बढ़कर एक बढ़िया रोल निभाए हैं। बीते दशकों में से इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक इरफान थे। उन्होंने अपने 35 साल के करियर में अलग अलग और चैलेंजिंग परफॉर्मेंसेस दिए हैं। हिंदी सिनेमा से लेकर हॉलीवुड तक उन्होंने अपने एक्टिंग का जलवा बिखेरा था। वो पर्दे पर किसी भी कैरेक्टर को सहजता और सादगी से निभाते थे। आज के इस एपिसोड में इरफान को एक ट्रिब्यूट की तौर पर उनके सबसे बढ़िया 15 परफॉर्मेंसेस, जिनको दर्शकों और समीक्षकों का ढेर सारा प्यार मिला, उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे। नंबर 15 पर है तिग्मांशु धूलिया की 2003 की फिल्म हासिल। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर आधारित इस फिल्म में इरफान ने यूनिवर्सिटी के एक गुट के लीडर रणविजय सिंह की भूमिका निभाई थी। अगर आप एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ आपको अपने क्राफ्ट के बारे में ही नहीं तो अपने आसपास क्या चल रहा है आपको ये भी पता होना चाहिए, ऐसा इरफान सर कहते थे। कि कहानी जो है हमारी तरफ से खत्म, फिनिश, ओवर। अब जो इलेक्शन ईमानदारी से होगा। बेस्ट विशेस फ्रॉम रणविजय सिंह। नंबर 14 पर है विशाल भारद्वाज की शेक्सपियर के हैमलेट पर आधारित ड्रामा फिल्म हैदर। फिल्म में इरफान ने रूदार का कैरेक्टर निभाया था। उनका रोल छोटा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने एक्टिंग टैलेंट से इस रोल में 4 चांद लगाए थे। क्यों पीछा करे आप मेरा? क्या जाते हैं? पैगाम है। What? मैसेज। मेरे पास ना किसी के लिए कोई पैगाम है ना मैसेज। मेरे पास है हैदर के लिए उसके अबूजी का पैगाम। साकेत चौधरी द्वारा निर्देशित फिल्म हिंदी मीडियम से इरफान ने ये दिखाया था कि न केवल सीरियस रोल्स बल्कि कॉमेडी रोल्स भी वो कितनी अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। राज और मीता अपनी बेटी पिया को रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड की वजह से वो नहीं कर पाते। उनको किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, इस तरह की फिल्म की कहानी है। We are very blessed to have Pia as our daughter. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है, पहचानो नहीं रही हमारी बच्ची है किसी और की बच्ची है। आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस पर आधारित इस मेघना गुलजार की फिल्म में इरफान खान ने जॉइंट डायरेक्टर अश्विन कुमार की भूमिका निभाई थी। इरफान ने इस फिल्म में टेरिफिक परफॉर्मेंस दी थी। की रात इंटरनेट राउटर 3 बार ऑन ऑफ हुआ था, यानी कि पेरेंट्स जाग रहे थे। जिस दिन घर पर मातम था और कंप्यूटर में कोई नहीं बैठा हुआ था उस दिन भी राउटर ऑन ऑफ हुआ था। ये हिंदुस्तान का राउटर है, इसकी मर्जी है जब ऑन ऑफ होना होता है। 11वें नंबर पर है सुजीत सरकार की 2015 की रोड ट्रिप फिल्म पीकू, जिसमें इरफान के अलावा दीपिका और अमिताभ बच्चन भी थे। इरफान ने इस फिल्म में स्वीट और इनोसेंट कैरेक्टर प्ले कर ये साबित कर दिया कि वो किसी भी रोल को पुल ऑफ कर सकते हैं। यू नो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर किसी को मुझे शादी करनी है तो तुम्हारे 90 साल के बच्चे को साथ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करोगे? माथा खराब नहीं है। नंबर 10 पर है एंग ली की इंटरनेशनली अक्लेम्ड एडवेंचर ड्रामा फिल्म लाइफ ऑफ पाई। इरफान ने इस फिल्म में प्रौढ़ पाई की भूमिका निभाई थी, जो स्टोरी को नैरेट करता है। इरफान अपने परफॉर्मेंस से स्टोरी को सही डायरेक्शन में ले जाने में पूरी तरह सफल रहे। लाइफ ऑफ पाई इरफान के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। और फिर रिचर्ड पाकर मेरा खूंखार साथी, वो डरावना जानवर जिसने मुझे जिंदा रखा, मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गया। 9 नंबर पर है विशाल भारद्वाज की 2011 की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म सात खून माफ। फिल्म में इरफान के अलावा प्रियंका चोपड़ा, जॉन इब्राहिम, विवान शाह, अन्नू कपूर, नील नितिन मुकेश और नसीरुद्दीन शाह प्रमुख भूमिकाओं में थे, लेकिन सबसे तगड़ा जो परफॉर्मेंस था वो इरफान का ही था। उन्होंने फिल्म में वसीउल्लाह खान, जो कि एक पोएट है, उसका कैरेक्टर प्ले किया था। शांत स्वभाव के पोएट से वो किस तरह एक अब्यूज करने वाले सेक्सुअल प्रेडेटर बन जाते हैं, ये जो चेंज है वो देखने लायक है।
अर्ज किया है, एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून। गांव में के लोगों को पता चलता है कि सुपरस्टार शाहिर खान बिल्लू, जो कि एक बार्बर है, उसका बचपन का दोस्त है। गांव के लोग बिल्लू को शाहिर खान से मिलवाने की जिद करते हैं। इरफान ने बिल्लू के कैरेक्टर को इतने बढ़िया से निभाया है कि फिल्म में के इरफान के इमोशनल मोमेंट्स में आपके आंखों से आंसू अपने आप ही निकल आते हैं। मेरे खुदा की रोशनी बिल्लू, बिल्लू मेरा दोस्त, सातवें नंबर पर है अनुराग बसु द्वारा निर्देशित फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो, जो आई थी 2007 में। मुंबई में रहने वाले और काम करने वाले नौ लोगों की जिंदगी तब बदल जाती है जब उनकी किस्मत उनको एक दूसरे से मिलाती है। इरफान ने इस फिल्म में मोंटी का किरदार निभाया है, जो एक परफेक्ट वूमन की तलाश में है। इरफान ने यह कैरेक्टर प्ले कर मेन स्ट्रीम सिनेमा को ये दिखाया कि क्यों उन्हें ग्रेट एक्टर कहा जाता है। You know, loves traveling, बहुत knowledgeable हो, और फिर creative, तुम पता मेरे एक दोस्त है, तुम पता मेरे एक दोस्त है, तुम पता मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है, पूछो क्यों? तुम्हारा ही नहीं, पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? The Warrior, जो आई थी 2001 में, जिसे ब्रिटिश फिल्म मेकर आसिफ कपाडिया ने बनाया था। इरफान ने राजस्थान के एक योद्धा की भूमिका निभाई है जो जंग छोड़ना चाहता है। फिल्म की शूटिंग राजस्थान में ही हुई थी। इरफान को इस रोल के लिए ढेरों पुरस्कार मिले थे। नंबर 5 पर है झुंपा लाहिरी की किताब पर आधारित, जिसे डायरेक्ट किया था मीरा नायर, वो फिल्म द नेमसेक। फिल्म की कहानी एक बंगाली कपल की है जो अमेरिका में अपनी लाइफ को एडजस्ट करने में लगे हैं, और उनका लड़का गोगोल अपने आप को इन दो अलग दुनिया में खोजने की कोशिश कर रहा है। इरफान का इस फिल्म में का परफॉर्मेंस एफर्टलेस है। ब्रिटिश फिल्म मेकर डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनियर ने 8 ऑस्कर अपने नाम किए थे। इस फिल्म ने सही मायने में इंडियन टैलेंट को इंटरनेशनली नोटिस करवाया था। इस फिल्म में इरफान ने पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, जो चीटिंग के सिलसिले में जमाल का इंटरोगेशन करता है। Professors, doctors, lawyers, general knowledge wallahs never get beyond 16,000 rupees. He's on 10 million. What the hell can a slum dog possibly know? विशाल भारद्वाज के शेक्सपियर के ट्रायलॉजी की पहली फिल्म मकबूल, जो मैकबेथ पर आधारित थी और जिसमें मुंबई का बैकड्रॉप दिया गया। इरफान ने इस फिल्म में मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन जहांगीर खान, जो कि पंकज कपूर ने प्ले किया है, उसके राइट हैंड मकबूल की भूमिका निभाई थी। इरफान ने अपने इस परफॉर्मेंस से वो कितने वर्सेटाइल एक्टर है ये सबको दिखा दिया था। नंबर 2 पर है रितेश बात्रा द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म द लंच बॉक्स, जिसमें इरफान के अलावा नवाज और निमरत कौर भी थे। फिल्म की सिंपल स्टोरी और फिल्म की सादगी सिनेमा फैंस को खूब भा गई। फिल्म में इरफान, नवाज और निमरत कौर सभी के परफॉर्मेंसेस एक से बढ़कर एक थे। रितेश बात्रा की एज ए डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। इरफान के फैंस को ये फिल्म कभी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बात बताओ शेख। हाँ सर। तुम कभी उड़ान गए? उड़ान? हाँ। सोचता हूँ नासिक की जगह उड़ान सेट हो गया था। सर वैसे तो मैं सऊदी गया हूँ। अगर आप अपने आप को इरफान के फैन मानते हैं और आपने पान सिंह तोमर नहीं देखी है, तो आप इरफान के सच्चे फैन कभी नहीं हो सकते। उनका हर एक रोल एक से बढ़कर एक है, मगर पान सिंह तोमर का उनका किरदार कुछ अलग ही लेवल का है। उनके इस परफॉर्मेंस के लिए उनको नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। लगातार 7 बार रनिंग का नेशनल अवार्ड जीतने वाले
एथलीट पान सिंह तोमर को क्यों बागी डाकू बनना पड़ता है, इस पर फिल्म की कहानी आधारित है। इस फिल्म को तिग्मांशु धूलिया ने बनाया था। अबाय मारे तेरो का बिगाड़ो, जो तो बागो बंदूक के बढ़ते है मारो, हैं? अबाय बूढ़ी माँ को तो बंदूक के बढ़ते है मारो। गलती है, माफ कर। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।